और मैं बताना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे बिहार के लिए और आने वाले वक्त में हमारे हिंदुस्तान का आज ही और कल ही है। बड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बच्चों को। उनका स्टैंड की जो भी खराब गेंद आते हैं स्टैंड से डिलीवर्ड में कन्वर्ट करते हैं बिट्टे मैक्सी बिट्टे मैक्सी स्मॉल मैक्सवेल इन हिस्टोरिक ग्राउंड भंडारो बिट्टू मैक्सी। बिहार का ये लड़का लेकिन पूरे भारत में सुपरिचित ये लड़का, और जब ये बल्लेबाजी करते हैं ना कुछ आला दर्जे का शॉट्स खेलते हैं बिट्टू मैक्सी। और ये देखिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या गजब का बल्लेबाजी, ब्लाइंड शॉट स्पेशलिस्ट। क्या खेला है, वो खेला नहीं गेंदबाज को खेला भी, क्योंकि जान रहे थे कि जो गेंद आने वाली है उसको मानो छक्का पड़ा और स्टैंड्स एंड डिलीवर देखने के लिए मिला। फर्स्ट मैच तो हम लोग जीत गए गाइस, और अब सेकेंड मैच काफी 3 घंटे के बाद होगा, तो अभी चलते हैं होटल पे कुछ खाना खाने। तो खाना हो चुका है खत्म और अब चलते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैच जो है ना अभी भी टाइम है 2 घंटा, तो अभी मस्त 2 घंटा रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे मैच खेलने। ओके टीम थी, हम लोगों ने उनको 40 रन पे अलाउट किया और बिट्टू ने अच्छी बैटिंग करी नीचे जाके, तो मैच मतलब 1 से रेडी हुआ। बहुत अच्छा ग्राउंड का माहौल है, विकेट बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो यहाँ का आउटफील्ड है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत कम ऐसे ग्राउंड पे देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे मिल सकते हैं कमरान भैया, जी हाँ, IPL में जो बॉलिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा 2009 में सुपर ओवर, 2009 में जो सुपर ओवर होता ना, तो कमरान भैया कैसे भैया? बहुत बढ़िया बढ़िया, कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया है, और अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम भैया के साथ खेलने का मौका मिला। और अभी जो मैच हुआ था ना, भैया का बॉलिंग जबरदस्त था, और सेकंड मैच क्या होने वाला है? जीतेंगे ये भी इंशाल्लाह, अच्छा करेंगे और जीतेंगे। इतने दूर से आए तो जीतने के लिए आए ना। अच्छा भैया आपका घर कहाँ पे? मेरा घर मऊ में पड़ता है, नदवासराय। डिस्ट्रिक्ट मऊ है मेरा, बेसिकली मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई यूपी। मुंबई में रहते हैं आप ना? मुंबई में सेटल हूँ ना। तो गाइज भैया रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, तो अब निकलते हैं फाइनली मिलते हैं मैच के बाद। ओके ग्राउंड निकलते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम लोग का कार बिल्कुल रेडी है और भैया चले, अभी हम लोग का सेकेंड मैच होने वाला है। तो ये थे कमरान खान जो कि IPL के बॉलर। तो गाइस फिर से टॉस हो चुका है और टॉस फिर से अगेंस्ट टीम ने जीता है, और इस बार हम लोग को फील्डिंग करने का मौका दिया, अब हम लोग को करना पड़ेगा फील्डिंग। और भैया लोग यहाँ पे मस्त स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो हम लोग का अभी बॉलिंग है, तो देखते हैं कि अगेंस्ट टीम कितना स्कोर बनाती है। एक बल्लेबाज 75% और फिर से एक बार 75% के साथ पुरस्कार राशि की होड़ में, देखते हैं अपने झोले में वो पुरस्कार ले पाते हैं या नहीं। उनके पास 11 गेंद बचा है, चलिए इस बार खेल दिया, काफी फाइन खेला दीपक फोर्ट के क्षेत्र में, एक 26 गेंदों का सामना करके 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, और एक 107 रन बनाकर खेल रहे हैं 25 गेंदों का, बिल्कुल टेस्ट पारी कहा जा सकता है। इस बार दीप बकवट स्कोर के क्षेत्र में फिर से खेल दिया, हम लोग फिर टॉस को लेकर ड्राइव कर दिया, बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ यहाँ पे, फिर से इस बार कट कर दिया, लेकिन वहां पे अंकुर पॉइंट के क्षेत्र में मौजूद, कोई गलती नहीं किया। एक आयोजक है उसके तरफ से 1000 का नगद पुरस्कार आया है,
और इस गेंद को फंड के ओर मोड़ा है। गेंद जरे से रन बनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर रहा ऑस्ट्रेलिया 4 रन। इस मुकाबले में विजय होती है, खिताबों जीतने में कामयाब होती है, ये देखने वाली बात। इस गेंद को फंड के ऊपर से मिला, गेंद के सीधे से मारे के बाहर। गौरी शंकर और मोबाइल झारखंड भाग 6 रन। 3 ओवर में अगर यह मुकाबला जीतने में कामयाब होती है सबल टोला की टीम तो महेश यादव की ओर से 1000 का नगद पुरस्कार आया है सबल टोला टीम की। अगली बार पुनः इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया, के सिवा बाद ओवर के बाहर आउट है। यहां से देखने जाए इस कारण लगा थोड़े से टाइम नहीं कर पाए। एचटीआर एंटरप्राइजेस वर्सेस जम्मू अलेवन के बीच होगा और 11:30 बजे से जो दूसरा मुकाबला होगा जेके ट्रेडर्स वर्सेस देवघर। अगली बार इसको फूल करना चाहते थे, बॉल हवा में इसको नीचे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं और एक मौका था इसको भुना नहीं पाए फील्डर। बड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बिट्टू को। उनका स्ट्रोक जो भी खराब गेंदे आते हैं स्टैंड से डिलीवर्ड में कन्वर्ट करते हैं बिट्टू मैक्सी। स्मॉल मैक्सवेल इन हिस्टोरिक ग्राउंड भंडारो खेल रहे हैं इस वक्त। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से अपने गेंद को खेलते हैं बिट्टो मैक्सी। और बगल वाले थर्ड पे गए। वाह क्या खेला है, ये खेला नहीं गेंदबाज को झेला भी, क्योंकि जान रहे थे कि जो गेंद आने वाली है उस पे मानो छटपट पड़े और स्टैंड्स एंड डिलीवर देखने के लिए मिला। 20-25 रन में एक गुड फाइट टोटल ऑन द बोर्ड हो सकता था। बिट्टू के पास बिट्टू मैक्सी के बल्ले से निकलता हुआ लगान और पाइपर के ऊपर से पैर फलक चुंडी छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा कुल मिला के 32 रन। और इस बार लीडिंग एज लोकतरी गेंद शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में कोई रन नहीं है और बिट्टू गेंद, लेकिन बिट्टू मैक्सी सिर्फ छक्के का पहाड़ा पड़ रहे हैं। चौका तो इन्हें पसंद ही नहीं हो रहा है, ये सिर्फ छक्के का पहाड़ा पड़ेंगे और अपनी टीम का नैया पार लगा के वहां से निकलेंगे। इस बार एक और फिर से बिल्कुल लोगों के ऊपर से दौर लगाया हुआ लंबा छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर में छलांग लगता हुआ और जा पहुंचा और 30 रन। मैं बता देना चाहता हूं 3 गेंद में अगर 9 रन बना देते हैं तो जो पुरस्कार राशि आया हुआ है वो लगता है मिल जाएगा। क्या कैरी कर पाएगी गेंद छत्रप शर्मा जी, बढ़िया बॉल, लेकिन ये इन्होंने बाउंड्री बचाया। ब्लाउंड शॉट, ये बिट्टू मैक्सी का स्ट्रोक था। ये बंदा
हमारे हिंदुस्तान का आज भी है और कल भी है, इनके लिए जोरदार तालियां। पिछला दूर था तो ये शॉट खूबसूरत था, एक गेंद में 3 रन चाहिए और इस बचा लिया। गेंदबाज चले, ओहो, बार-बार ब्लाइंड शॉट, सीधा वन बाउंस ओवर डीप स्क्वायर लेग चौका। जो भी दर्शक बॉल पकड़ रहे हैं वह कपड़ा के बाहर बॉल अगर जाते तभी पकड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ काफी नुकसान होता है। बॉल को वापस करेंगे, पर बॉल पर ध्यान देंगे। बिट्टू मैक्सी बिहार का ये लड़का, लेकिन पूरे भारत में सुपरिचित ये लड़का, और जब ये बल्लेबाजी करते हैं ना, कुछ आला दर्जे का शॉट्स खेलते हैं बिट्टू मैक्सी। और ये देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या गजब का बल्लेबाजी, ब्लाइंड शॉट स्पेशलिस्ट। ऐसा सब इनको जानते होंगे, इनका सबसे बड़ा उस्ताद है बल्लेबाजी करने का, ब्लाइंड शॉट, स्विच शॉट, स्कूप हेड शॉट, स्विच शॉट, सारे शॉट। क्या धन्यवाद। मैं बता दूं कि आपने जो ये क्वेश्चन किया था कि गियर जो आपने चेंज किया, मैं बता दूं कि ये मैंने दर्शकों के लिए किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए दर्शकों के लिए। मैच जीतने के बाद हम लोग आ चुके हैं रूम पे और हमारे साथ बैठे हुए इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट के एक बड़े नाम अंकुर भैया। तो भैया कैसा रहा मैच? बहुत अच्छा मैच हुआ, हमारा फर्स्ट मैच तुमने लाइव देखा ही होगा, बहुत ही शानदार मैच हुआ। और सेकंड मैच ओके टीम थी, हम लोगों ने उनको 40 रन पे ऑल आउट किया और बिट्टू ने अच्छी बैटिंग करी नीचे जाके, तो मैच मतलब वन साइडेड ही हुआ, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। जैसा कि मैंने अभी आपको अंकुर भैया से मिलाया, जी हाँ, एक बड़े नाम, एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। जी हाँ गाइस, मैं बता दूं कि रियली में काफी अच्छा लगा उनसे मिलके, उनसे बात करके, उनके साथ खेल के, और काफी अच्छा रहा आज का दिन। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज इसी तरह अब बड़ा बड़ा टूर्नामेंट चलता रहेगा और आपके बीच ब्लॉग आता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। काफी अच्छी कमेंट्री आप करते हैं, जी हाँ, थैंक यू, काफी अच्छी। एक बार जोरदार ताली इनके लिए।